पीडियाट्रिक सर्जरी से कई लोगों के लाइफ में मैजिकल चेंजेस आते हुए मैंने देखा है। ओबेसिटी यानी कि मेदस्विता ना सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम्स और बीमारियां लाती है पर कई अनगिनत पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लेके आती है। हमारे पास आने वाले सभी मरीजों की कहानी कुछ अलग होती है। सबको किसी ना किसी तरीके से ओबेसिटी की वजह से उनकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, रुकावटें होती हैं। कुछ बच्चे टीनेजर्स होते हैं जिनको कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम होता है, पीयर्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, यंग एज में रिलेशनशिप और मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, प्रोफेशनल रोड ब्लॉक्स होते हैं, टैलेंट होता है पर उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ओबेसिटी की वजह से, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिस होती है ओबेसिटी की वजह से, ओल्ड एज में खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं। अनगिनत प्रॉब्लम्स अलग अलग मरीजों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। ओबेसिटी काफी सारे लोगों को अंदर से खा जाती है। कुछ हमारे पेशेंट्स का ही कहना है कि ऐसा लगता है जैसे हमारे रास्ते बंद हो गए। We feel as if we have hit a wall। करना बहुत कुछ है पर कोई नहीं पाते। तब जाके बेरियाट्रिक सर्जरी का रोल आता है कि सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बेरियाट्रिक सर्जरी से है अगर आपका वेट एक लेवल से ज्यादा है। ये बात सही है कि ओबेसिटी होने का बेसिक कारण है अनहेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल ज्यादातर लोगों में। पर एक बार कोई व्यक्ति ओबेस हो जाता है या वेट एक लेवल से ज्यादा हो जाता है उसके बाद में डाइट और लाइफस्टाइल सुधारने से और हेल्दी करने से वेट कम नहीं हो जाता है। वेट जब एक लेवल से ज्यादा होता है तब डाइट और एक्सरसाइज लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड एडिक्वेट वेट लॉस नहीं दे पाता है। तभी बात आती है बेरियाट्रिक सर्जरी की जो कि निश्चित तौर पर कंसिस्टेंटली और लॉन्ग टर्म गुड अमाउंट ऑफ वेट लॉस देता है। और इस वेट लॉस के साथ में ओबेसिटी रिलेटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स तो सुधरते ही है पर जो पर्सनल प्रॉब्लम्स की हमने अभी चर्चा की वो सबका भी सॉल्यूशन लाता है बेरियाट्रिक सर्जरी। मैं ये समझता हूं कि बेरियाट्रिक सर्जरी कोई छोटी सर्जरी नहीं है और बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने का डिसीजन कोई छोटा डिसीजन नहीं है, पर यह बात भी सही है कि बेरियाट्रिक सर्जरी अभी के समय में होने वाली सर्जरियों में से सेफ सर्जरियों के लिस्ट में आता है। बेरियाट्रिक सर्जरी अभी रूटीनली होता है आमतौर पर और काफी सेफ्टी से होता है, यानी कि उनके कॉम्प्लिकेशन रेट और मॉर्टालिटी बाकी दूसरी सर्जरियों के कंपैरिजन में काफी कम है। और रही बात बेरियाट्रिक सर्जरी का डिसीजन लेने की, तो मैं आपको कोई तुरंत कोई डिसीजन लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरी ऐसी सलाह है कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। आपको जरूरत लगती है तो एक से ज्यादा बेरियाट्रिक एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, उनका ओपिनियन ले सकते हैं। आप अपनी सारी कंसर्न्स और क्वेरीज खुल के डिस्कस कर सकते हैं और सब कुछ समझने के बाद आप किसी नतीजे पर पहुंचिए। अगर आपको ये लगता है कि बेरियाट्रिक सर्जरी करवाना काफ़ी रिस्की है तो मैं ये बोलूँगा कि जिनको बेरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत होती है वैसे सारे मरीजों में कुछ न करना सबसे ज़्यादा रिस्की है। ऐसे मरीज जिनको बेरियाट्रिक सर्जरी की वजह से मेडिकल प्रॉब्लम्स है या काफ़ी सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनमें कुछ न करना उनके लिए ज़्यादा जोखिमकारक है। पता ही नहीं चलता है कि कब सालों बीत जाते हैं इन प्रॉब्लम से जूझते हुए और फिर फाइनली जब आप डिसाइड करते हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी करवाना है तब तक वेट और ज़्यादा बढ़ गया होता है, मेडिकल प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गए होते हैं और पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बढ़ गए होते हैं। तो मेरी ये सलाह है कि आप अच्छे से जानकारी लीजिए, ज़रूरत है तो एक्सपर्ट से मिलिए, अगर डाउट है तो मल्टीपल एक्सपर्ट से मिलिए, अपने सारे डाउट्स और कंसर्न्स क्लियर कीजिए और फिर खुद के लिए सही समय पे एक सही डिसीजन लीजिए।